नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह, मेरा यूट्यूब चैनल जय किसान एचपी में आप सब दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करते हैं कलमों पर। कलमें आप सभी बागवानों ने कलमें कर दी हैं, तो बाद में क्या होता है कि मई जून में कभी भी कलमें टूट जाती हैं। किस वजह से? कई बार हवा हो जाती है, कई बार कोई ना कोई वजह रह ही जाती है, जो कोई आदमी तोड़ देता है, या कई बार हम वो कई लकड़ी ला रहे हो, कोई लकड़ी फेंक देता है, या कोई पत्थर मारता है, या कोई जानवर, कोई चिड़िया, कुछ भी कलम तोड़ देता कोई ना कोई। तो उसे जब कलम टूट दी जाती है तो हमारे पास कलमें तो है नहीं, तो हम उसे अगले साल करना पड़ेगा। अगर हम कलमें बचा के रखेंगे तो हम उन पॉइंटों को हम इस साल नहीं कर सकते। तो जैसे मैंने कि ये कलमें कुछ बचा के रखी हुई हैं, ये गाला की है और मैक्सिमम गाला है, गाला बाल है, तो इसको मैं किस तरह फ्रिज में रखूँगा, तो इस बारे में आज हम बात करेंगे। आप ये देख सकते हैं, ये पिछली साल इसे लगभग मई में गाय ने तोड़ दिया था, तो मैंने इसे मई में किए कलम, और इसे फिर भी ग्रोथ काफ़ी आई थी। इसे अब इसे प्रूनिंग कर दी यहाँ से, और मैंने इसे सभी को रखा हुआ है। ये पॉलिनेशन का ग्रेनी स्मिथ है, इसे मैंने बचा के रखा। इस पौधे में दरअसल कैंकर लग गया था, बीच में कैंकर लग गया था, और मैं काटते काटते इसे मैंने जब तक देखा तो यहाँ जाके कैंकर पहुँचा था, तो मैंने जब इसे यहाँ कलम किया तो वो टूट गया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ इसे काट करके यहाँ कलम लगा दी, और ये देखो आप पूरा कवर होने वाला है। ये पिछले साल मई में किया था मैंने। तो बात आती है मैं कलम में हमें बचाना कैसे चाहिए, तो मैंने ये लाया हुआ, तो ये मैंने पत्थर से काई निकाली हुई है, ये आप देख सकते हैं। अब इसे मैंने थोड़ा सा गीला किया और इसे पानी निकाल दिया इससे। ये कलम है, अब इसको मैं थोड़ा सा नीचे लपेट के रख दूंगा इस तरह करके। और इसको पॉलीथीन में पैक कर दूंगा। थोड़ा सा और डाल देता हूँ मैं। अब क्या होगा इसका कि इसकी थोड़ा मॉइस्चर जो होगा वो इन कलमों को सेफ रखेगा, ये सूखेंगी नहीं। और इसको अब कवर कर देता हूँ पूरा। और एक और पॉलीथीन में इसे डाल देता हूं और इसको पूरा अच्छी तरह टाइट, जितना टाइट हो सके, ताकि मॉइस्चर ना इसके अंदर बने। इस तरह करके बिल्कुल टाइट। और इसको मैं रखूंगा अब फ्रिज के सबसे नीचे, इसे जहां पर हम सब्जी वगैरह रखते हैं। आजकल के फ्रिज थोड़े कई उल्टे भी आ रहे हैं, कोई ऊपर कोई नीचे, जहाँ भी आप सब्जी रखते हैं आप उसमें बिल्कुल पैक करके इसे रख लो। और इसका फ़ायदा क्या होगा, जब भी आपकी कलम टूट जाती है और बड़े आराम से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और एक ख़ास बात और मैं आपको बता दूँ, जैसे कि मैंने ये किया कलम किया है जेरोमाइन, अच्छा अभी अगर मैं जेरोमाइन टूट जाता तो मैं वहाँ गाला बाल लगाऊँ। गाला बाल लगाने से क्या होगा, वहाँ एक तो पहचान अलग अलग हो जाएगी, कोई इस पर की लगाऊंगा तो फिर जजमेंट करना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए मैंने जितना भी है मैंने काला बाल रखा हो, और इसका पता भी लग जाएगा कि जब जहाँ जहाँ कलम टूट जाएगी या कुछ भी है, उसका एक पहचान ये मिल जाएगी कि ये अलग अलग ये है, वैरायटियाँ हैं। तो इसे आप इस तरफ फ्रिज में पैक करके रख दें, और जब भी आपको लगता है अगर आपकी ज़रूरत है तो ठीक है, नहीं है तो आप रहने दो, क्योंकि इसमें कोई आपका पैसा तो लग नहीं रहा है, कभी ना कभी तो कहीं ना कहीं यूज़ हो ही जाएगा, तो इस तरह आप इसे पैक करके रख सकते हैं।
अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आगे नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।